अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए। स्किल में आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्किल इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री आपको यहाँ पर स्किल इंडिया के तहत NSDC के तहत बहुत सारे कोर्स यहाँ पर निःशुल्क करा रही है आपको। तो निःशुल्क कोर्स करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो भी निःशुल्क, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो अब वीडियो को पूरा देखें और आप घर बैठे स्किल सीखकर आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये महीना आप कमा सकते हैं। आप चाहते हैं इस तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्किल इंडिया पोर्टल या फिर NSDS पोर्टल, आप सर्च यहाँ पर करेंगे। सर्च करने के बाद नेक्स्ट पेज को इस तरह से आएगा। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्किल इंडिया पोर्टल। अगर हम स्किल इंडिया पोर्टल देखेंगे तो यहाँ पर जानकारी दी गई है PMKVY से संबंधित, जो कि इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हम सिर्फ देखने वाले हैं ई स्किल इंडिया। नीचे आप देख रहे होंगे साइट का इस वाले लिंक पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ई स्किल इंडिया पर। दोस्तों नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से देखेगा ई स्किल इंडिया का। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पर सीधा लॉगिन कर सकते हैं। इस होम पेज को हम अगर नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे तो स्किल इंडिया संबंधित बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर अगर आपकी ID बनी है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन इन पर, साइन इन पर क्लिक करके नीचे आ पाएंगे। अगर आपकी ऑलरेडी ID बनी हुई है, ID पासवर्ड आपके पास है स्किल इंडिया का, तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर एंटर करना है। देन नीचे आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। I am not rebooted वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन यहाँ पर करेंगे तो सीधा आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार आए हैं स्किल इंडिया सर्टिफिकेट की साइट पर तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। या नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपका नाम, लास्ट टाइम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर जो आपको पासवर्ड है, पासवर्ड देखिए 8 से 12 अंकों के बीच में आपको एंटर करना है। इससे छोटा पासवर्ड बनाएंगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो पासवर्ड के लिए चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन I am accept टर्मिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेल ID के द्वारा एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक के थ्रू आपको वहाँ पर ID पासवर्ड मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ID पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आकर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID एंटर कर देनी है। देन नीचे पासवर्ड एंटर करना है। चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन करके दिखाता हूँ। I am not rebooted पर क्लिक किया, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरी जो ID है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। और यहाँ पर डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे, डैशबोर्ड में मेरा डेटा बता रहा है कितने कोर्स मैंने NSDS के तहत जितने मैंने कोर्स किए हैं वो सारे कोर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर वेलकम अमित लिखा रहा है, यानी मेरी ID लॉगिन हो चुकी है। और डैशबोर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए कुल कोर्स मैंने 3 किए हैं और कम्प्लीट जो किए हैं वो 1 किया है और ऑनगोइंग कोर्स चल रहे हैं वो 2 हैं। तो इस तरह से आप कोर्स की डिटेल देख पाएंगे। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, मोबाइल, जेंडर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। माय कोर्स वाले ऑप्शन पर चलेंगे तो यहाँ कोर्स संबंधित पूरी डिटेल मिल जाएगी। और सर्च कोर्स वाले ऑप्शन पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप कोर्स से संबंधित सभी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। सर्च कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस भी क्षेत्र से संबंधित आप कोर्स करना चाहते हैं, आप हेल्थ यहाँ पर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो हेल्थ संबंधित सारे कोर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो देखिए ये कोर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए मैं कोई दूसरा स्किल यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स देखना चाहते हैं तो सर्च करेंगे यहाँ पर और नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे तो एग्रीकल्चर संबंधित बहुत सारे कोर्स हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जो भी हम कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स हम यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आप साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, ये बड़े काम की चीज़ है, इसको आप ज़रूर समझ लें। फिल्टर वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं, फ्री कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कोर्स चूज़ कर सकते हैं। तो फिल्टर आप यहाँ पर जरूर देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। नीचे आप सेक्टर देखेंगे, किस सेक्टर में आप कोर्स करना चाहते हैं वो सेक्टर आप देख लेंगे। और नीचे आप स्किल करेंगे तो देखिए किसके तहत कोर्स करना चाहते हैं, NSDC में 40 कोर्स हैं, NSDC 1, तो इस तरह से ये सारे कोर्स हैं। और नीचे आके फिल्टर अप्लाई कर लेंगे तो वो कोर्स आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आई होप जानकारी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आया हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं।